सजा याफ्ता और जेल में बंद राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोक के खिलाफ समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टियों को लामबंद करेगी। 5 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ पार्टी ने बगावत करने का मन बना लिया है। पार्टी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विसंगतियों से भरा है, जिनको दूर करने के लिए संसद को संविधान में संशोधन करना चाहिए। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। कोर्ट ने सजा याफ्ता और जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। एसपी सांसद के अगले सत्र से पहले इस मामले में संविधान संशोधन के लिए अलग अलग पार्टियों के बीच आमराय बनाने में जुट गई है। ये सही है कि न्यायपालिका को ये पूरा अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए हुए कानून की समीक्षा करे, रिव्यू करे, अगर उसको समझता है असंवैधानिक है तो संवैधानिक घोषित करे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ये भी सच है कि संसद को यह अधिकार है कि अगर न्यायालय कोई सीमा रेखा को पार करता है तो वो उस तरह के किसी भी कानून को संविधान संशोधन करके रद्द कर सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये तो कहा है कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन किन धाराओं में बंद व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा ये स्पष्ट नहीं किया है। किसी उम्मीदवार को शांति भंग के आरोप में चुनाव से ठीक पहले भी बंद किया जा सकता है और रिटर्निंग ऑफिसर जानबूझकर उसकी जमानत टाल सकता है। ऐसे में उसका दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है। जाहिर है एसपी कोर्ट के फैसले को विधायिका के मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप मानकर इसके खिलाफ खुलकर उतर आई हैं। हालांकि अंदर खाने कई दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव टू स्टडी दिस जजमेंट एंड दे हैव टू educate their own cadets who are potential candidates to fight elections. न्यायपालिका से कोई बात आती है तो उनको बड़े गौर से हमें देखना भी पड़ता है और सोचना भी पड़ता है। तो आज इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। आने वाले दिनों में जब सब राजनीतिक दलों से बातचीत हो जाएगी कि इन फैसलों का राजनीति में प्रभाव क्या होगा, किस तरह का प्रभाव होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। साफ है कि मामले में संविधान संशोधन की मांग पर संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और एसपी के कोई बड़ी सौदेबाजी देखने को मिल सकती है। ज्यादातर पार्टियां एकजुट हैं, लेकिन कोई भी पार्टी जनता में यह संदेश नहीं देना चाहती कि वो राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ हुए फैसले के खिलाफ खड़ी है, और इसीलिए इस बारे में खुलकर बोलने से हर किसी को परहेज है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन वैकुंठ के साथ आशुतोष भाटिया।